कभी आपने रेलवे टिकट बुक किया है? ऑनलाइन रेलवे टिकट कैसे बुक करते हैं, कहाँ से करते हैं, उसमें क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, ये कितना आसान या डिफ़िकल्ट है, यदि आप नहीं जानते होंगे तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ट्रेन टिकट कैसे बुक करते हैं, किस वेबसाइट से बुक करते हैं, यूजर आईडी और पासवर्ड आपके पास नहीं है तो रजिस्टर कैसे करते हैं, उसके क्या क्या शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जिसके माध्यम से आप बहुत आसानी से और फटाफट ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि और कौन कौन सी वेबसाइट है जिसके द्वारा आप ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं और सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं, सारी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो देखने के बाद से आपको कहीं किसी के पास जाने या कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ट्रेन टिकट कैसे। नमस्ते, मेरा नाम अरुण भारते है और मेरे YouTube चैनल बिहारी चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको आज बताऊंगा कि ट्रेन टिकट कैसे बुक करते हैं, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। बहुत सारे मेरे दोस्तों ने, मेरे जानने वालों ने ये पूछा था तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ कि जो ट्रेन का टिकट बुक होता है तो उसके लिए कई सारी आपको वेबसाइट मिल जाएगी, कई सारे ऐप भी मिल जाएंगे जिससे कि टिकट बुक किया जाता है, लेकिन वो सारी जो टिकटें बुक होती हैं वो कहीं ना कहीं जाकर के किसी एक वेबसाइट से बुक होती है और वो वेबसाइट गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिसको कि IRCTC कहते हैं। तो सारी टिकटें एक तरह से उसी चैनल के थ्रू बुक होती है और जब आप टिकट बुक करते हैं उसके पहले कई सारा प्रोसेस होता है तो उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला तो ये बात है कि आपको जब टिकट बुक करना है तो आपके पास कोई एक आईडी प्रूफ हो तो अच्छा है, जैसे कि आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो, क्योंकि यदि 5 या 6 पैसेंजर, 3-4 पैसेंजर जितने का भी टिकट बुक होता है तो उसमें से एक आदमी का आईडी कार्ड ज़रूरी होता है। जब आप ट्रेवल करते जाएंगे तो ट्रेवलिंग के टाइम पे TT आपसे वो आईडी प्रूफ मांग सकता है तो वो रखना चाहिए, नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं है। तो और टिकट जो बुक होता है तो वो कई सारे वेबसाइट से बुक होता है लेकिन अल्टीमेटली वो IRCTC से बुक किया जाता है। तो हम कैसे उसको बुक करते हैं इसके बारे में चलिए शुरुआत करते हैं। आपको गूगल पे जाना है और टाइप करना है IRCTC। जब आप टाइप करेंगे तो जो सबसे पहला लिंक आएगा वो है IRCTC नेक्स्ट जनरेशन ई टिकटिंग सिस्टम का, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। इसमें आपको कई सारे बटन हैं, जैसे कि एक ये टैब है लॉगिन का, फिर रजिस्टर का है, एजेंट लॉगिन है, कई सारा है। अब IRCTC जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है तो वो सॉफ्टवेयर को अपडेट करते जा रहा है। पहले 1-2 साल पहले ऐसा था कि आप उस पर बिना लॉगिन किए कुछ सर्च नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आप बिना लॉगिन किए भी यहाँ आपको ये जो पेज दिख रहा है इसमें आप PNR स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, चार्ट और वैकेंसी भी देख सकते हैं और टिकट किस डेट को कितना अवेलेबल है किस ट्रेन में, ये सारा कुछ आप बिना लॉगिन किए चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप नई दिल्ली से और पटना के लिए यदि कोई टिकट देखना चाहते हैं तो यहाँ से टाइप करेंगे और जो भी डेट आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं सिलेक्ट करता हूँ फॉर एग्जांपल 12 जुलाई का और इसमें सारे क्लास हैं तो वो नहीं सिलेक्ट करके ओवरऑल आप सिलेक्ट कर लेते हैं और सर्च करेंगे तो ये आपको टिकट की लिस्ट आ जाएगी ट्रेन की कि 12 जुलाई को दिल्ली से पटना के लिए ये ट्रेन है और इसमें AC 3 टायर में इतना अवेलेबल है, AC 2 टायर में, ये सारा अवेलेबिलिटी दिखा जाएगा और इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये बुक नाउ का ऑप्शन आएगा। एक ये चीज़ है। अब दूसरा है कि जैसे ही आप बुक नाउ पे करेंगे तो आपको लॉगिन करने के लिए डिटेल्स मांगेगा, तो लॉगिन डिटेल्स आपके पास होना ज़रूरी है। लॉगिन डिटेल्स में उसका एक आईडी होता है, एक पासवर्ड होता है। यदि वो आपके पास नहीं है, जैसे कि वो नहीं है, तो आप यहाँ से इसको रजिस्टर भी कर सकते हैं। जिसके पास
है ही नहीं, तो उसको सबसे पहले तो रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने में आपको एक आईडी आएगा, एक पासवर्ड मांगेगा, फिर प्रिफर्ड लैंग्वेज है इंग्लिश या हिंदी, उसमें से वो मांगेगा, सिक्योरिटी क्वेश्चन है, वो सब करेंगे। तो आपकी यहाँ पर्सनल डिटेल्स आएगी कि आप ऑक्यूपेशन अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, हाँ डेट ऑफ बर्थ है, फिर मैरिड अनमैरिड, और ये सारा कुछ जब आप ये करेंगे तो फाइनली आपका जो है वो उसमें फिर आपसे एड्रेस भी मांगेगा, ये एड्रेस सब देना पड़ेगा। और आपको ये सारा कंफर्मेशन देने के बाद से आपका वो रजिस्टर हो जाएगा, क्योंकि IRCTC पे जो आईडी और पासवर्ड जो जनरेट होता है बहुत स्पेसिफिक है। जैसे कि आपका आधार कार्ड एक ही है, आधार कार्ड नंबर एक ही है आपके नाम का, तो वैसे ही IRCTC भी एक यूज़र आईडी क्रिएट करता है जिसके थ्रू आप टिकट बुक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि आपके पास यदि लॉगिन आईडी नहीं है तो कैसे आप रजिस्टर करते हैं, और यदि लॉगिन आईडी है तो आप सिंपली जिस तरह से मैंने ये किया था कि सबसे पहले तो आप, यदि आपके पास लॉगिन आईडी है तो सबसे बेस्ट है कि आप सबसे पहले तो यहाँ लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने में आपका यहाँ यूज़र नेम पूछेगा, ये पासवर्ड पूछेगा, और नीचे जाएंगे तो ये कैप्चा है वो, जैसे कि यहाँ है कि टाइप कैंसर कवर इन दी बॉक्स बिलो। तो जैसे मैं यहाँ टाइप कर लेता हूँ कैंसर कवर, तो ये हो जाएगा मेरा लॉगिन। तो ये सबसे अच्छा है, आसान है कि आप जो भी सर्च करना है उससे पहले ही लॉगिन कर ले। यदि लॉगिन नहीं भी करते हैं तो भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे अब मैं ये सर्च करता हूँ न्यू दिल्ली से पटना के लिए जो ऑप्शन था, और 12 जुलाई का टिकट मैं देखना चाहता हूँ, तो ये ऑप्शन आ गया। अभी वेबसाइट थोड़ा स्लो चल रहा है इस टाइम पे, पता नहीं क्यों। तो ये सारे ऑप्शंस आ गए, आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि चूँकि ये काफ़ी बड़े बड़े आ रहे हैं, तो इसका ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से जा करके ये जूम है इसको 100% की जगह पे थोड़ा कम कर देंगे तो ये छोटा दिखने लगेगा। तो जैसे देखिए कि ये सारी ट्रेन की लिस्ट आ गई आपकी, न्यू दिल्ली राजधानी है, प्लस ये है, फिर ये सारी ट्रेन है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं इसमें टिकट बुक करना चाहता हूँ, जैसे 3 टीयर में, तो इस पर क्लिक करूँगा और बुक नाउ पे जाऊँगा। तो बुक नाउ पे जाऊँगा तो ये सारा आपको ऑप्शन आएगा, जैसे ये डिटेल्स आ गया ट्रेन का, उसके बाद से आपको पैसेंजर नेम, एज, जेंडर, ये सारा कुछ भरना है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई सारे जो वेबसाइट हैं अलग अलग तरह की IRCTC से अलग, वो कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स बताती हैं। जैसे कि एक तो आपका है eRail.com, eRail.com काफ़ी अच्छा है जिसको मैं यूज़ करता हूँ, eRail.in है। जैसे इसको आप यूज़ करेंगे तो ऑलरेडी वो सारा जो डिटेल्स है आप यहीं से सर्च करके देख सकते हैं कि कितना अवेलेबल है कंफर्म होने के लिए, और जब वो हो जाए उसके बाद से वहाँ आप वो चीज़ कर सकते हैं। एक eRail.in भी है। इसके अलावा आपको जो मैं यूज़ करता हूँ वो है TrainMan.in है, ये भी काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। और इसमें क्या है कि ये बहुत आसानी से आप बिना IRCTC में लॉगिन किए हुए यहाँ से सब कुछ सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से NDLS यानी न्यू दिल्ली टू पटना PNB, और जुलाई में आपका 12 जुलाई का मैं सर्च कर लेता हूँ, तो जो चीज़ IRCTC पे आएगा वो चीज़ यहाँ भी आ जाएगा। और इसको कई, इसमें ये भी शो कर देता है कि अवेलेबिलिटी कितनी है, 100% है या कितना, जैसे RSE है, RSE कितना है और उसका कितना चांस है, प्रोबेबिलिटी भी इसमें शो करता है। तो ये सारा यहाँ से भी चेक कर सकते हैं लॉगिन करने से पहले, यहाँ से टिकट भी बुक कर सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ से टिकट बुक करेंगे तो भी आपसे IRCTC का लॉगिन पासवर्ड मांगता ही मांगता है, तो बेटर है कि यहाँ से ये सारा कुछ देख लें कि किसमें कितने अवेलेबल है उसके बाद से, लेकिन बुक टिकट वहीं से करें। तो जैसे अब यहाँ से टिकट बुक करना है तो इसमें पैसेंजर नेम, जैसे कि मेरा ऑलरेडी यहाँ मैंने कई सारे सेव कर रखे हैं तो वो सब पे नहीं जाते हैं, मैं एक नया नाम दे देता हूँ, कप्तान सिंह, एज इसका दे दिया जैसे 32, मेल,
इंडिया, और बर्थ प्रेफरेंस भी आप यहाँ से जैसे लोअर अपर दे सकते हैं, मैंने लोअर दे दिया। यहाँ से ऐड पैसेंजर, और पैसेंजर ऐड करते कप्तान सिंह के जो भाई हैं जॉकी सिंह, उनको भी ऐड कर देते हैं और इनकी एज दे देते हैं 28, ये भी मेल हैं, और इनका जो प्रेफरेंस है वो मिडिल दे देते हैं। एक और पैसेंजर ऐड कर देते हैं, कोई रिया सिंह कर देते हैं, इनका एज दे देते हैं 26 और ये फीमेल है, इनका कोई प्रेफरेंस नहीं है। आप बच्चों का डिटेल्स भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जैसे जो 5 साल से कम के उम्र के बच्चे हैं तो यहाँ ऐड इन्फेंट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा। जैसे बच्चे का नाम मान लिए, जैसे मैंने बबलू दे दिया, बबलू उसकी एज दे दी ये 2 ईयर्स का है, और इसका दे दिया मेल। एक और बेबी बेबी दे दिया मैंने, कोई बच्ची है और उसका एज जो है 1 ईयर कर दिया और उसको जेंडर में फीमेल कर दिया, तो ये हो गया आपका। इसके बाद से यहाँ पैसेंजर का मोबाइल नंबर आएगा, पैसेंजर का मोबाइल नंबर दे ही देते हैं ऐसे ही 8989898989, और यहाँ से डेस्टिनेशन एड्रेस में मान लिए मैंने दे दिए यहाँ से D120 दे दिया, XYZ दे दिया मैंने, सिलेक्ट सिटी में भी पिन कोड यहाँ जैसे ही डालेंगे, जैसे न्यू दिल्ली का 00030 दे दिया, साउथ वेस्ट दिल्ली पोस्ट ऑफिस कुछ भी यहाँ से रैंडम दे दिया। यहाँ से कुछ और ऑप्शन में इंटरेस्टिंग आता है कि कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, यानी कि आपने थर्ड एसी में बुक किया है तो यदि सेकेंड एसी में ऐसा कुछ खाली रहता है तो वो भी आपको मिल सकता है। एक ये भी ऑप्शन है कि बुक ओनली कन्फर्म बर्थ्स आर अलाउड, तो ये भी आप ये कर सकते हैं। तो इसमें होगा कि आपका जब तक कन्फर्म टिकट नहीं होगी तब तक टिकट बुक नहीं होगा। और ट्रेवल इंश्योरेंस का एक ऑप्शन आता है, तो ट्रेवल इंश्योरेंस 0.49% होता है, वो लेना चाहिए मेरे ख्याल से, ये आपके ऊपर है लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं। तो मैं मोस्टली ये सही एक्सेप्ट करता हूँ, कंसीडर पर ऑटो अपग्रेडेशन भी क्लिक कर दो, ठीक है। और यहाँ सारे कई सारे पेमेंट मोड होते हैं, जैसे पे थ्रू क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स है, नेट बैंकिंग है, जो आपके पेटीएम वॉलेट है या फ़ोनपे वॉलेट है या कोई भी है उसके थ्रू आप ये कर सकते हैं। तो उस पर चार्ज लगता है 30 रुपये और GST लगता है, भीम या UPI के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैं मोस्टली क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू पे करता हूँ, तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब हम इसको करते हैं कंटिन्यू, जब कंटिन्यू करेंगे तो देखिए आपका पूरा डिटेल्स आएगा कि ट्रेन नंबर ये है, इस डेट के लिए है, इतना अवेलेबल टिकट है, टिकट का टोटल प्राइस ऐसा है, और ये सारे पैसेंजर की डिटेल्स है, और टिकट कहाँ भेजी जाएगी वो यहाँ हो जाता है। अब इस पर हम कंटिन्यू करेंगे तो इस पर भी एक कैप्चा मांगता ही मांगता है, तो जैसे यहाँ है कि टाइप SIIP इन दी बॉक्स, तो ये मैं टाइप कर देता हूँ SIIP। अब हम इसको करते हैं कंटिन्यू, वेट करते हैं, वेबसाइट स्लो है। मैं रात में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लगभग 1:40 की रात हो रही है, इस टाइम में भी वेबसाइट हैंग हो रही है, पता नहीं क्यों। तो ये सारी डिटेल्स आ गई आपकी। अब फाइनली जैसे पेमेंट मेथड में कई सारे पेमेंट गेटवे हैं, पेमेंट गेटवे मोस्टली मैं IRCTC के थ्रू नहीं करता, क्योंकि IRCTC से कई बार आपका पैसा कट जाएगा और वो काफ़ी वेट करना पड़ेगा। तो मेरी सलाह ये है कि आप IRCTC iPay जो उनका जो गेटवे है उसको नहीं यूज़ करके कोई दूसरा यूज़ कर ले। तो मोस्टली मैं ये वाला यूज़ करता हूँ, जिसमें कि HDFC बैंक का, अमेरिकन एक्सप्रेस का या ICICI बैंक का जो गेटवे है वो यूज़ करता हूँ मैं। तो इसमें से मोस्टली मैं HDFC बैंक का यूज़ करता हूँ, इस पर जो भी चार्ज लगेगा। अब इसको पे एंड बुक करेंगे तो इस तरह का कुछ आपका पेज खुलेगा, जैसे टोटल अमाउंट ये है, ट्रैकिंग ID ये है, इस पर मैं HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड है, HDFC बैंक डेबिट कार्ड है, या अदर बैंक क्रेडिट या डेबिट कार्ड, अदर बैंक क्रेडिट कार्ड पे मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरह का कुछ आएगा, जिसमें आपको कार्ड डिटेल्स भरना है, आपका नाम,
एक्सपायरी वगैरह ये सब भरेंगे, और ये सारे डिटेल जैसे ही भरेंगे और पे पर क्लिक करेंगे वो पेमेंट कंफर्म हो जाएगा और आपकी टिकट बुक हो जाएगी। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको मैंने ये भी बता दिया कि आपके पास लॉगिन आईडी नहीं है तो लॉगिन आईडी क्रिएट कैसे करते हैं। आपको ये भी बताया कि IRCTC में आने से पहले आप सारा जो सर्च है, जैसे कि न्यू दिल्ली से पटना के लिए आपको 12 जुलाई का जो टिकट है, ये रहा 12 जुलाई, तो इस तरह से आपकी पूरी लिस्टिंग आ जाए। तो आप यहाँ से सारा कुछ सर्च कर लो और तब फाइनली IRCTC से जा करके टिकट बुक करो। तो आई होप कि इतना ही सिंपल प्रोसेस है और इससे आप टिकट बुक करना सीख गए होंगे। यदि इसके अलावा भी आपको और कोई डाउट है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके और कमेंट करिए और मैं उसको समझाने की और उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।